नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 44 पर, जहां पर किसानों ने मोर्चा लगा दिया और पूरा नेशनल 44 हाईवे करनाल के पास आके पूरी तरह से बंद कर दिया है। आपको बता दें, ये जो नेशनल हाईवे है ये दिल्ली से होता हुआ हरियाणा कनेक्ट करता है, हरियाणा से फिर ये पंजाब की तरफ उससे आगे के देश को कनेक्ट करता हो जाता है। इस नेशनल हाईवे को बंद किया है किसानों ने, क्योंकि किसानों की जो सबसे बड़ी मांग थी जो MSP पर किसानों की फसल की खरीदारी हो, और जो 6 जून को बर्बर लाठीचार्ज हुआ उसमें जो किसान नेताओं की गिरफ्तारी, उनको रिहा किया जाए। इन दोनों मांगों को लेकर कुरुक्षेत्र के पीपली में अनाज मंडी में एक महापंचायत रखी गई थी, जहां किसानों ने 2 बजे तक इंतजार किया। प्रशासन की तरफ से जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया तो किसानों का सब्र का बांध टूटा और वो एक बार फिर से हाईवे पर आए और उन्होंने हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और ये पड़ाव कब तक रहेगा ये किसान नेताओं का कहना, ये सरकार के हवाले पे है। सरकार जब इनकी मांगे मान लेगी उठ के चले जाएंगे, सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तो एक बार उन्होंने कहा है दिल्ली बॉर्डर की तरह यहाँ भी पक्के मोर्चे लगाए जा सकते हैं। सुनिए किसान नेताओं ने क्या कहा। जो आज यहाँ पर पिपली मंडी में महापंचायत रखी गई थी किसानों की, वो इसलिए थी क्योंकि उस रोज पहले शाहबाद में 6 तारीख को गुनाम सिंह चुनौनी जी के संगठन ने सूरजमुखी की MSP लेने के लिए धरना प्रदर्शन किया था, रोड जाम किया था। उनके ऊपर सरकार ने लाठियां बरसाई, लगभग हमारे 25 से 30 किसान उसमें इंजर्ड हुए और गुरनाम सिंह चुरुनी को 360 का पर्चा डालकर जेल में धकेल दिया। तो ये सरकार की कह सकते हैं कि बड़ा तशद्दुद है, पंजाबी में हमारे कहते हैं। तो ये सरकार ने किया, ये हम कभी भी इसको सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे किसानों ने कोई फालतू नहीं मांगा। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सूरजमुखी के ऊपर वो मांगी, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 6400 है, लेकिन अभी जो मंडी में बिक रहा है वो बिक रहा है 4100 से लेकर 4800 तक, तो जो उसमें भावांतर बहुत ज्यादा है। नुकसान सरकार बोलती है कि हम 1000 रुपए देंगे और मार्केट का रेट 4000 से लेकर 4500 रुपए है, और MSP अगर 1000 रुपए सरकार देती है तो वो 5500 रुपए के आसपास बैठता है, मतलब कि 5400-5500 रुपए अलग अलग 4 कैटेगरी के अंदर ये खरीद शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा किसानों को एक एकड़ के अंदर तकरीबन 800-1000 रुपए का घाटा है पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो पिछले साल में डीजल का भाव क्या था और महंगाई दर कितनी थी, तो आज देखिए आज महंगाई के अंदर उनको और भाव देने की जगह या बोनस देने की जगह किसानों को उल्टा लूटा जा रहा है। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP, इसको समझना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कोई मैक्सिमम नहीं मांग रहे हम, जो न्यूनतम तय करती है। अगर यही स्वामीनाथन C2+ के हिसाब से जाएगा तब तो बहुत दूर चला जाता है मामला। कब तक आप लोग सड़क पर बैठेंगे? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान जाती और हमारे पास कोई चारा भी नहीं, लेकिन सरकार मजबूर करती है। वो किसान आंदोलन के बाद जो चाहती है कि किसानों की छवि आम जनता के अंदर खराब हो, ताकि आम जनता का जो है वो भाव टूटे, कोई ये हमारी मजबूरी है कि हम शौक से नहीं बैठे। यहाँ 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, तो सब लोग सहन कर रहे हैं। अब तो हमारी डिमांड ये रही है कि भाई पहली तो MSP जब तय करनी है उसको स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ C2+50% जो फार्मूला उसके साथ उसको तय किया जाए। सेकंड, उसकी खरीदी जो है वो सरकार करे, तो ये डिमांड हमारी है पूरे भारत में। अगर ये नहीं होता आंदोलन, ये सड़क जाम की कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये अभी हमारी कमेटी लोकल जो है उनके साथ अभी बैठेंगे, अगर सरकार बात नहीं मानती, हो सकता है दिल्ली की तरह मोर्चा अगर पक्का लग जाए तो ये तो अभी थोड़ी देर में इसकी रणनीति तैयार होगी। अभी तो देख रहे हैं कि सरकार क्या चाहती है, सरकार को बातचीत करना चाहती है कि नहीं। हमने कभी टेबल टॉक नहीं छोड़ी, खुले मन से बात की है, सरकार भी खुले मन से बात करे तो तब जाकर कोई बात का रिजल्ट निकलता है अच्छा। लेकिन अगर सरकार इस पे बात नहीं करना चाहती तो फिर हम आगे की रणनीति तय कर लेंगे। और जब तक सरकार इन दोनों मुद्दों के ऊपर कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं देगी, ये मोर्चा इसी तरह से चलता रहेगा। किसानों में भारी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह का दमन 6 तारीख को जब यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे शाहबाद के अंदर अपने खरीद की मांग को लेके, उसके ऊपर बर्बर लाठी चार्ज किया गया, उससे काफी गुस्सा है किसानों में। और जब तक इन दोनों मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता, किसान इसी तरह से GT रोड के ऊपर बैठे रहेंगे।